हेलो, दिस इज़ भरत एंड वेलकम अगेन टू भरत के एम ऑनलाइन पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। उसमें भी स्पेशली ये जो वीडियो है वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। देखो, अपने इंडिया में जो भी हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें हम जनरल फाउंडेशन इंजीनियरिंग ही पढ़ते हैं। चाहे आप गेट ईएस के लिए भी पढ़ लो, हम गेट या फिर ईएस के लिए, एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए, या फिर अपने स्टेट में कोई भी जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की जो एग्ज़ाम लगती है उसके लिए जनरल फाउंडेशन पढ़ते हैं। उसके लिए फाउंडेशन पढ़ के हम कोई बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन तैयार नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो एडवांस फाउंडेशन वगैरह पढ़ते हैं ना, फिर एमटेक वगैरह करते हैं, वहाँ पर एडवांस फाउंडेशन चलती है। अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में सिर्फ जनरल फाउंडेशन इंजीनियरिंग चलती है। अब बात आती है कि फाउंडेशन इंजीनियरिंग हम पढ़ते क्यों हैं। तो अपनी जो बिल्डिंग वगैरह बनेगी, कोई भी आप बड़ी 3 मंजिला या फिर 10 मंजिला 50 मंजिला कितने भी बिल्डिंग बनाओगे, आप किस पर बनाओगे उसको? सॉइल के ऊपर बनाओगे, मिट्टी के ऊपर ही तो बनाओगे, जो ज़मीन है उसके उसी के ऊपर बनाएंगे। तो अपनी जो बिल्डिंग बनाएंगे उसको तो हम बढ़िया से बढ़िया कॉन्क्रीट यूज़ करेंगे, बढ़िया से बढ़िया ब्रिक यूज़ करेंगे। ओके, बढ़िया से बढ़िया हम उसके अंदर रोड्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो हम ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको तो शानदार बना लेंगे। लेकिन जो नीचे ज़मीन है, जो सॉइल है, वो सॉइल है, उस सॉइल की कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा। आप ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर बहुत ज़ोरदार बना दिया आपने और ये पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर ही इस सॉइल के ऊपर फेल होकर के अंदर घुस गया, तो फिर उसका कुछ मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है ना। तो हमें इस सॉइल की कैपेसिटी भी निकालनी पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे बियरिंग कैपेसिटी, कि वो जो नीचे सॉइल है ना वो कितना लोड बियर कर सकती है। ओके, उसकी कैपेसिटी हम निकालते हैं। तो हम जो सॉइल फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना उसमें वही बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर ही हमारा फोकस रहता है। ओके, अब ये जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग के लिए जो बियरिंग कैपेसिटी हम निकालते हैं, ये दो तरीके से, दो मेथड होते हैं अपने पास। कौन कौन सा मेथड होता है? एक तो होता है एनालिटिकल मेथड, ओके, और एक होता है फील्ड मेथड या फिर फील्ड टेस्ट डाटा। ये मेथड होता है अपने पास। पहले हम एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद में हम फील्ड मेथड पढ़ेंगे। फील्ड मेथड में क्या है, कुछ टेस्ट वगैरह आते हैं जो हम फील्ड में करते हैं, जैसे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, ओके, कुछ करेक्शन वगैरह लगाते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में करेंगे लेकिन। ओके, तो इस वीडियो में पहले एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम फील्ड मेथड कवर करेंगे। ओके, अब देखिए जो एनालिटिकल मेथड से हम सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी हम निकालते हैं वो फेलियर किस तरीके से हो रहा है उस सॉइल में फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरीके की है, उसके बेसिस पर हम इसकी स्टडी करते हैं। तो अपने जो सॉइल में है 3 तरीके के फेलियर होते हैं। कौन कौन से? जनरल शियर फेलियर होता है एक, तो एक होता है लोकल शियर फेलियर, और एक होता है पंचिंग शियर फेलियर। अब ये कब कब होता है, इनके ये जो डाटा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में सीधे ABCD ऑप्शन में आते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ ये समझो कि ये यहाँ पर जो फाई है ये क्या है, ये है अपना सॉइल टू सॉइल, सॉइल के पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे, तो उन सॉइल के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितने एंगल पर लग रहा है, वो क्या है अपना फाई है। DR क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला वगैरह मैंने यूनिट नंबर 1 सॉइल मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में बता रखा है अच्छे तरीके से, बहुत सारे टर्म्स हैं वहाँ पर, वो मैंने वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं, आप वो वीडियो देखो, वहाँ पर मैंने बता रखा है। ओके, आगे के जो वीडियोस करते हैं ना वो पीछे वाले वीडियो से रिलेट करते हैं, रिलेशन होता है उनका। तो अगर आप पिछले की वीडियो अच्छे तरीके से नहीं देखोगे तो आगे की वीडियो समझ नहीं आते हैं, तो आप सीरीज से देखोगे तो हर एक चीज़ आपको समझ आएगी, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो फाई तो क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और DR का मैंने वहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में बता रखा है, रिलेटिव डेंसिटी होता है, ये रिलेटिव डेंसिटी होती है। ओके, अब देखो, अगर आपकी फाई की वैल्यू, मतलब इंटरनल जो फ्रिक्शन लग रहा है उनकी एंगल की वैल्यू 36 डिग्री से अगर ज़्यादा है और DR की वैल्यू 70% से ज़्यादा है, उस कंडीशन में जो आपका फेलियर होगा ना सॉइल में, वो कौन सा होगा? जनरल शियर फेलियर। ओके, आपसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरल शियर फेलियर कब होता है, आपको कंडीशन देंगे कि फाई इज इक्वल्स टू 36, फाई लेस देन 36, फाई ग्रेटर देन 36, DR greater than 70%, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देंगे आपको। वो ऑप्शन तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं ना, लाखों तरीके के ऑप्शन बन जाएंगे, चाहे तो आएंगे आपके पास। अगर आपको सही आंसर पता है तो आपके पास चाहे 1 करोड़ ऑप्शन दे दे, आप सही का पता लगा लोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फाई की वैल्यू 36 डिग्री से ज़्यादा हो और DR की वैल्यू 70% से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में जनरल शियर फेलियर होगा सॉइल के अंदर। ओके, अगर मान लो कि आपका जो फाई है वो 29 डिग्री से कम है, ओके, और DR की वैल्यू 30% to 70% है, DR की वैल्यू 30% से 70% के बीच में है, उस कंडीशन में सॉइल में जो फेलियर होगा वो कौन सा होगा? लोकल शियर फेलियर होगा। ओके, उसको बोलेंगे लोकल शियर फेलियर।
अब तीसरे की बात करते हैं पंचिंग शेयर फेल्योर की। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपकी DR की वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 30% से कम है उस कंडीशन में पंचिंग शेयर फेल्योर होगा। और ये जो पंचिंग शेयर फेल्योर होता है ये हमेशा पाइल फाउंडेशन वगैरह में होता है, पाइल फाउंडेशन या फिर वेल फाउंडेशन, मतलब डीप फाउंडेशन जो होता है। दो तरीके के फाउंडेशन होता है ना, एक होता है शेलो फाउंडेशन और एक होता है डीप फाउंडेशन। तो ये जो पंचिंग शेयर फेल्योर होता है ये हमेशा, ये जो पंचिंग शेयर फेल्योर होता है ये डीप फाउंडेशन में होता है, और जनरल शेयर फेल्योर और लोकल शेयर फेल्योर हमेशा शेलो फाउंडेशन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम डायग्राम की बात करें थोड़ा लोड के रेस्पेक्ट में और सेटलमेंट के लिए बात करें, तो देखो जो पंचिंग शेयर फेल्योर है वो कम लोड के ऊपर ही आपका बहुत सारा सेटलमेंट हो जाता है, मतलब वो ज़मीन के अंदर घुस जाती है, आपको जो फाउंडेशन होती है ना वो ज़मीन में घुस जाती है कम लोड के ऊपर ही। अगर हम लोकल शेयर फेल्योर की बात करें उस कंडीशन में लोड के साथ जो सेटलमेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोड लगाने पर सेटलमेंट होता है। और अगर हम जनरल शेयर फेल्योर की बात करें उस कंडीशन में क्या होता है, आपका लोड लगाते रहो सेटलमेंट होता रहेगा, होता होते 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 एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर झटके से आपका सेटलमेंट तो होगा वहाँ पर लेकिन लोड की वैल्यू वहाँ से कम हो जाएगी। तो ये जो इस तरीके से कॉर्नर आता है, इस तरीके से कॉर्नर ये जनरल शेयर फेल्योर में आता है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो लोड सेटलमेंट कर्व बनते हैं उसके अंदर कर्व बनता है एक तरीके का बीच में, इस तरीके से नोब बन जाती है, इस तरीके से लोड कम होता है जब, वो कौन से टाइप के फेल्योर में बनता है, पंचिंग शेयर फेल्योर, लोकल शेयर फेल्योर और जनरल शेयर फेल्योर, तो आपको पता होना चाहिए जनरल शेयर फेल्योर में ऐसा बनता है। इस तरीके से आपको एग्जाम में इस तरीके से ग्राफ बना करके भी दे सकते हैं और लैंग्वेज की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके अब इसके बाद में आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक होता है टाउ इज इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस है, सी क्या है, कोहेजन है, सिग्मा क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस है, और फाई क्या है, आपका इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है। ओके तो ये फॉर्मूला है, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ द शेयर स्ट्रेस, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर शेयर स्ट्रेस, तो आप ये बता सकते हो फॉर्मूला, और अगर न्यूमेरिकल आए इसके ऊपर तो आप वो भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला ध्यान रखना कौन सी चीज़ क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। सेकंड फॉर्मूला आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है, क्यू यू क्या है, क्यू यू क्या होता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा। ओके यहाँ पर एन सी, एन क्यू और एन गामा कॉन्स्टेंट है, सी यहाँ पर क्या है, कोहेजन है आपका, बी क्या है यहाँ पर, विड्थ ऑफ फाउंडेशन है, गामा क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, जिस सॉइल के अंदर आपका फाउंडेशन बन रहा है ना उसका यूनिट वेट है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आपकी फाई की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब जो इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा है, जो एंगल है, उनकी वैल्यू अगर आपकी जीरो हो गई उस कंडीशन में जो आपकी एन सी की वैल्यू है वो 5.7 होगी। ये रटना है, एग्जाम में पूछते हैं एन सी की वैल्यू 5.7, एन क्यू की वैल्यू 1 और एन गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर मैं बोलूँ कि इफ़ योर एन क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, इफ़ योर फाई इज इक्वल्स टू जीरो, देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला ये हो जाएगा क्या, देखो 5.7C प्लस क्यू, बस ये फॉर्मूला हो गया आपका। कब है, जब फाई आपका जीरो है, क्यों, क्योंकि फाई जीरो है तो एन गामा जीरो हो जाएगा ना, तो एन गामा जीरो हो गया तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। ओके एन क्यू की वैल्यू वन है एन क्यू की वैल्यू, तो वन से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है, और एन सी की वैल्यू 5.7 है और सी आपका ये रहा। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ये आएगा इफ़ योर फाई इक्वल्स टू जीरो देन व्हाट इज़ द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो आपको पता होना चाहिए 5.7C प्लस क्यू। आपको तो ये जनरल फॉर्मूला आप ध्यान रखो, ये जनरल फॉर्मूला है, ये ध्यान रखो फॉर्मूला। और अगर फाइव बराबर जीरो हो जाता है तो एन सी की वैल्यू 5.7 होती है वहाँ पर, एन क्यू की वैल्यू 1 होती है और एन गामा की वैल्यू 0 हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। एनालिटिकल मेथड में इतना ही था, अब हम बात करेंगे फील्ड मेथड की, कि फील्ड में हम कुछ कुछ टेस्ट करते हैं, अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तीनों टेस्ट से हम ये पता लगाते हैं कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, इसमें लिखा हुआ कम है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ उस चीज़ को आप समझना। ओके पहला अपना कौन सा है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। देखो इसमें किस तरीके से करते हैं, जहाँ जिस भी लेवल की हमें बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है ना वहाँ तक हम गड्ढा कर देते हैं, इस तरीके से गड्ढा कर देते हैं। मान लो कि हमें यहाँ की बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है, फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, स्प्लिट स्पून सैम्पलर, नाम ध्यान रखना आप, स्प्लिट स्पून सैम्पलर होता है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम इसको
हथौड़े से मारते हैं इसके ऊपर, ऊपर से हथौड़े से मारते हैं, हथौड़े से मारने के बाद इसको अंदर घुसाते हैं, ये जो स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है ना, इसको ज़मीन में घुसाते हैं अंदर। उसके बाद में जो 150 mm तक हम कोई भी रीडिंग नोट नहीं करते, एग्ज़ाम में पूछते हैं ऐसा, ओके ये ध्यान रखना आप, 150 mm तक हम कोई भी रीडिंग नोट नहीं करते। उसके बाद में 300 mm तक हम रीडिंग नोट करते हैं, उसके बाद में नीचे फिर 300 mm तक रिकॉर्डिंग नोट करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखोगे देखो, अब जो बताओ ना तो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बात, हैमर का वेट कितना होता है, जो ऊपर से मारते हैं ना इसके थोड़े से, उसका वेट कितना होता है। तो देखो कभी कभी एग्जाम में 65 kg भी दे देते हैं वो, और 63.5 kg भी देते हैं, दोनों ही करेक्ट है, दोनों एग्जाम में नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही आएगा कोई, तो दोनों आप ध्यान रखना, मोस्टली 65 kg ध्यान रखना, लेकिन एग्जाम में अगर ये आ जाए तो ये भी करेक्ट होता है। दूसरी बात, आप ये जो हैमर पटकते हैं ना इसके ऊपर, स्प्लिट स्पून सैंपलर के ऊपर, वो कितनी हाइट से, हाइट ऑफ फॉल कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 750 mm होता है इसका, ओके 750 mm हाइट ऑफ फॉल होता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है। दूसरी बात, ये जो गड्ढा खोदते हैं वो कहाँ तक खोदते हैं, जहाँ की हमें बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है वहाँ तक हम गड्ढा खोद देते हैं। उसके बाद में 150 mm तक हम रीडिंग नहीं लेते हैं, ध्यान रखना 150 mm तक हम रीडिंग नहीं लेते, उसके बाद में 300 तक हम रीडिंग लेते हैं, उसके बाद में फिर 300 mm तक हम रीडिंग लेते हैं, ओके। इससे जो रीडिंग वगैरह आती है वो उसको हम नाम दे दिया कि एंड नोट कुछ रीडिंग आएगी, उसको बोल दिया ऑब्जर्व्ड वैल्यू, हमने क्या बोल दिया, ऑब्जर्व हुई अपनी इसमें, इसको अंदर ठोकने से जो वैल्यू आई आपके, मतलब वो हो गई, ये ठोकने के जो होते हैं ना, जैसे आपने 10 बार ठोका तो एंड नोट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, नंबर ऑफ ब्लोज है ये, एंड नोट क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज, नॉट ब्लाउज, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो आप, अब ये जो अपना स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट है ना, इसके ऊपर दो तरीके के करेक्शन लगते हैं। दो तरीके के करेक्शन क्यों लगते हैं, क्योंकि अपनी जो सॉइल रहती है ना, उसमें अगर आप स्टार्टिंग में, मान लो ये अपनी सॉइल है, आप स्टार्टिंग में कोई इसके अंदर कुछ गाड़ोगे ना, इसमें कुछ घुसाओगे, तो स्टार्टिंग में तो जल्दी जल्दी घुस जाएगा, क्यों, क्योंकि बगल का कन्फाइनमेंट कम है, लेकिन जैसे जैसे ये अंदर जाएगा ना, तो आपको ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगल बगल से जो कन्फाइनमेंट लग रहा है इस चीज़ के ऊपर, वो ज़्यादा कन्फाइनमेंट लग गया। इस चीज़ को अकाउंट फॉर करते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए ही दो तरीके के करेक्शन हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में लगाते हैं। एक होता है अपना ओवरबर्डन करेक्शन और एक होता है डायलेटेंसी करेक्शन। तो ये दोनों करेक्शन ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछते हैं, उसमें से ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आते रहता है डायलेटेंसी करेक्शन तो, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं तरीके से बता देता हूँ दोनों को। देखो पहला है ओवरबर्डन करेक्शन, ये हम क्यों लगाते हैं, एक तो ये ध्यान रखना आप क्यों लगाते हैं, शेलो डेप्थ कन्फाइनमेंट लेस, एग्जाम में से पूछ सकते हैं कि ओवरबर्डन करेक्शन इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, तो आप कह देना उनको कि जो शेलो डेप्थ रहती है, कम डेप्थ के ऊपर आपका जो कन्फाइनमेंट रहता है अगल बगल से, जो सॉइल का कन्फाइनमेंट रहता है वो कम रहता है, इसलिए हम ओवरबर्डन करेक्शन लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1 = N0, ये तो आपने ऑब्जर्व कर रखी है, ऑब्जर्व वैल्यू एन नोट, तो एन नोट मल्टीप्लाइड बाई 350 अपॉन सिग्मा नोट बार 70, ओके तो यहाँ पर आपका N1 निकल जाएगा, ये N नोट आपके पास है 350 कॉन्स्टेंट है, ये सिग्मा नोट बार क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस एट अ लेवल ऑफ टेस्ट, जिस लेवल पर आप टेस्ट कर रहे हो ना वहाँ का इफेक्टिव स्ट्रेस है, और यूनिट क्या होती है इफेक्टिव स्ट्रेस की, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके और 70 आपका 70 है। आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है अब, कि अगर आपकी ये जो ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर हम लगाते हैं ना, ये हम जब ही लगाएंगे जब आपकी जो सिग्मा नोट बार की वैल्यू, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 280 से कम है, ओके अगर आपकी सिग्मा नोट बार की वैल्यू 280 से कम है जब, तो हम ये ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर लगा देंगे। अगर ये 280 से ज़्यादा चली गई सिग्मा नोट बार की वैल्यू, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 280 से ज़्यादा चली गई, उस कंडीशन में हम ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर नहीं लगाएंगे, और अगर ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर नहीं लगाएंगे तो डायलेटेंसी करेक्शन फैक्टर भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये डायलेटेंसी करेक्शन फैक्टर हमेशा ओवरबर्डन करेक्शन के बाद ही लगाएंगे, ओके तो अगर आप ओवरबर्डन ही नहीं लगाओगे तो फिर डायलेटेंसी का तो नंबर ही नहीं आएगा। तो आपको ये यहाँ पर जो बात है वो ध्यान रखनी है, क्या कि सिग्मा नोट बार की वैल्यू 280 से ज़्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए फॉर ओवरबर्डन करेक्शन, ओके। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट अपना करेक्शन आता है डायलेटेंसी करेक्शन। डायलेटेंसी करेक्शन हम एक ही कंडीशन में लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब आप जो N1 निकालोगे ना यहाँ से, ओवरबर्डन करेक्शन से N1 निकालोगे, इस N1 की वैल्यू अगर 15 से ज़्यादा चली गई, इस N1 की वैल्यू अगर 15 से ज़्यादा चली गई जब, तो हम डायलेटेंसी करेक्शन लगाएंगे। अगर N1 की वैल्यू 15 से कम है, तो फिर हम ये डायलेटेंसी करेक्शन नहीं लगाएंगे, ओके।
तो ये डिपेंड करेगा N1 के ऊपर आपका। मान लो कि N1 अपना 15 से ज़्यादा चले गया, उस कंडीशन में डायलेटेंस करेक्शन हम लगाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, N2 इजिक्वल्स टू 15 प्लस N1 माइनस 15 बटा 2, आपको दिख रहा है 15 प्लस N1 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। N1 क्या है, अभी आप ऊपर निकाले थे डायलेटेंस, वो ओवरबर्डन करेक्शन से N1 निकाले थे, वो है N1, तो और फिर आपके पास N2 आ जाएगा, जो फाइनल आपके नंबर ऑफ ब्लोज रहते हैं, कितने बार आपने थोड़े से उसके ऊपर मारा, वो आपका करेक्ट निकल के आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दी है अच्छे तरीके से, पहला तो ओवरबर्डन करेक्शन और दूसरा डायलेटेंस करेक्शन, फॉर्मूले ध्यान रखना, आपको ऐसे कन्फ्यूज़ करेगा वो 15 माइनस N1 प्लस 15 बटे 2 इस तरीके से, तो आप ना प्लस माइनस में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अच्छे तरीके से याद करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये, किसी भी तरीके से आप इसको रटो कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके। वो यहीं पर घुमाता है एग्ज़ाम में, वो घुमाता है जो ठीक है, तो आपको ये इतना ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आगे चले, तो अगला अपना टेस्ट है, फील्ड मेथड ही चल रहा है अपना, हम क्या देख रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं, बियरिंग कैपेसिटी देख रहे हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग के लिए, कि हम जो फाउंडेशन बनाते हैं वो सोइल में बनाएंगे, तो सोइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है उसका पता लगाना पड़ेगा। बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एनालिटिकल मेथड और एक होता है फील्ड मेथड। एनालिटिकल मेथड हमने कवर कर लिया था, जनरल शेयर फेल्योर, लोकल शेयर फेल्योर एंड पंचिंग शेयर फेल्योर। इसके बाद हम आए फील्ड टेस्ट के ऊपर, फील्ड टेस्ट में अपने ए नंबर कंप्लीट कर लिया, कौन सा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इस स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर दो तरीके के करेक्शन हम लगाते हैं, ओवरबर्डन करेक्शन एंड डायलेटेंसी करेक्शन, ओके। अब फील्ड मेथड में बी के ऊपर आते हैं, जो सेकंड टेस्ट अपना वो है प्लेट लोड टेस्ट। ये टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अपना स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट था, लेकिन इसके रिलेटेड भी दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे, जो हम प्लेट लोड टेस्ट करते हैं ना, देखो प्लेट लोड टेस्ट करते हैं ना, उसको प्रोसीजर वही है, हम पहले गड्ढा कर लेते हैं, जहाँ का भी हमें बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है सॉइल की, वहाँ तक हम गड्ढा कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, अगल बगल में गड्ढे के अगल बगल में फिक्स करते हैं कुछ गार्ड गुड के, गर्डर लगा देते हैं, मतलब गर्डर बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम है गर्डर, गर्डर लगा देते हैं हम, ओके। और फिर क्या करते हैं, एक नीचे प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर हम लोड लगाएंगे, ओके। लोड किससे लगाएंगे, हाइड्रोलिक जेक से लगाएंगे, ओके, इस प्लेट के ऊपर। और फिर हम रीडिंग वगैरह नोट करते हैं कि कितने लोड के ऊपर कितना सेटलमेंट अपना हो रहा है, लोड सेटलमेंट करो हम तैयार करते हैं। यहाँ पर एग्जाम में इस तरीके से पूछते हैं कि ये जो हाइड्रोलिक जेक है ना, ये लोड लगाएगा इस प्लेट के ऊपर, तो ये जो रिएक्शन फोर्स लेगा ना, वो कहाँ से लेगा, ये कहाँ से लेगा, तो ये जो अगल बगल में ये फिक्स कर रखा है ना यहाँ पर, यहाँ से रिएक्शन फोर्स लेगा, ये यहाँ से रिएक्शन फोर्स लेकर के और यहाँ पर प्लेट के ऊपर लोड लगाता है ये हाइड्रोलिक जेक। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आपका जो हाइड्रोलिक जेक है जो इसके ऊपर फोर्स लगाता है प्लेट के ऊपर, वो रिएक्शन फोर्स कहाँ से लेता है, तो आपकी ज़मीन से लेता है, अगल बगल में से, जो गड्ढा खोद रखा है ना आपने, ये गड्ढा, इसके अगल बगल में सॉइल है, वहाँ से ये रिएक्शन फोर्स लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो गड्ढा, इस गड्ढे में और इस प्लेट में, इस गड्ढे में और इस प्लेट में जो डिफरेंस होता है वो 5 times का डिफरेंस होता है। वो कैसे, अगर आपकी प्लेट की विड्थ कुछ है, मान लो 1 centimeter है, वैसे 1 centimeter होती नहीं है, 60 centimeter से ऊपर ही होती है इसकी, मतलब 30 centimeter से ऊपर ही होती है, सॉरी 30 centimeter से कम हम कभी भी नहीं लेते। तो मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि मान लो 1 centimeter की विड्थ है आपकी प्लेट की, तो आपका जो गड्ढा होगा ना उसकी 5 centimeter की विड्थ होना जरूरी है। इस तरीके से अगर आपकी प्लेट की विड्थ मान लो 30 centimeter है, ओके, तो आपका जो गड्ढा है ना उसकी, सॉरी जो प्लेट की विड्थ है ना वो 30 centimeter है मान लो, तो जो गड्ढा होगा ना उसकी विड्थ है ना वो कितना हो गया, 150 centimeter होना जरूरी है। तो ये ध्यान रखना आप, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात एक ये है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेट की विड्थ है BP, तो आपकी गड्ढे की विड्थ है 5 BP, ओके। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, ये जो टेस्ट करते हैं प्लेट लोड टेस्ट, ये हमेशा कोहेजन लेस सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करेंगे, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। ये कोहेजन क्या होता है आपको पता होगा ही, जो सॉइल है, सॉइल में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, अगर उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस, कुछ भी तरीके के, किसी भी तरीके से फोर्स लग रहे हैं, उसको बोलेंगे हम कोहेसिव फोर्स, ओके। और वो सॉइल कौन सी हो जाएगी, कोहेसिव सॉइल हो जाएगी। अगर उन पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो उसको बोलेंगे कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो जो कोहेजन लेस सॉइल होती है उसके लिए प्लेट लोड टेस्ट सिग्निफिकेंट होता है, यूज़ करते हैं। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो हमारी प्लेट की साइज़ होती है ना, ये प्लेट देखो, ये प्लेट लग रही है,
इस प्लेट की साइज 30 सेंटीमीटर से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है, अगर आप इस प्लेट को 30 सेंटीमीटर से कम कर दोगे ना, तो हाइड्रोलिक जैक से जब लोड लगाओगे तो ये प्लेट अंदर घुस जाएगी। ऐसे ही एक्चुअल जो रीडिंग आनी चाहिए वो रीडिंग यहाँ पर नहीं देगी ये प्लेट। अगर आप छोटी सी प्लेट रख दोगे तो, मान लो आपने 1 सेंटीमीटर की प्लेट रख दी यहाँ पर छोटी सी बिल्कुल, आपने इसके ऊपर लोड लगाया तो ये तो ऐसे बिल्कुल अंदर घुस जाएगी, कुछ रीडिंग ही नहीं आएगी, इसलिए छोटी नहीं लगाते। और कुछ 90 सेंटीमीटर, शायद 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी नहीं लगाते, उसके लिए आपको साइज़ ध्यान नहीं रखनी है। ऐसा आएगा एग्ज़ाम में आएगा तो कि हम ज़्यादा बड़ी साइज़ की प्लेट क्यों नहीं लगाते, तो वो इसलिए नहीं लगाते। मान लो आपने बहुत सारी बड़ी प्लेट लगा दी, ओके, और आपने इसके ऊपर लोड लगाया तो नीचे से कन्फाइनमेंट बहुत ज़्यादा मिल गया ना, इसको कन्फाइनमेंट बहुत ज़्यादा मिल गया, तो आप दुनिया भर का लोड लगा दोगे ना इसके ऊपर, जब भी इसके अंदर कुछ सेटलमेंट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको कन्फाइनमेंट बहुत चौड़ा, बहुत सारे एरिया का कन्फाइनमेंट मिल गया, इसलिए तो ये भी फिर अच्छे तरीके से रीडिंग नहीं दे पाएगा। इसलिए 30 सेंटीमीटर से अप्रोक्स 90 सेंटीमीटर तक, 30 to 90 सेंटीमीटर तक हम प्लेट की साइज़ लेते हैं। मिनिमम का आपको ध्यान रखना है कि 30 सेंटीमीटर से कम कभी भी नहीं लेना है, ओके। यहाँ पर ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला पूछें एग्ज़ाम में वो आप ध्यान रखना। SF/SP, बताता हूँ अभी क्या होती है ये चीज़ें। SF/SP इक्वल्स टू BF/BP मल्टीप्लाइड बाई BP+0.3 डिवाइडेड बाई BF+0.3 का होल स्क्वायर 2, ओके। देखो इसमें लिखने से तो आपको दिख रहा नहीं होगा, अब देखो आप करेक्ट दिख रहा है ना, बिल्कुल देखो ये मस्त दिख रहा है। SF यहाँ पर क्या है? सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन है। SP क्या है? सेटलमेंट ऑफ प्लेट। BF क्या है? विड्थ ऑफ फाउंडेशन। BP क्या है? विड्थ ऑफ प्लेट। बाकी ये मैंने बता दिया, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं और न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसको फॉर्मूला ही पूछेंगे वो, ठीक है। तो BF/BP मीटर में लेना है आपको, यूनिट आपको ध्यान रखना है। BF/BP हमेशा मीटर में, किलोमीटर किलोमीटर में मत ले लेना, सिर्फ मीटर में लेना, ना ही सेंटीमीटर में लेना, सेंटीमीटर में भी मत लेना, मीटर में लेना है आपको। BF/BP की जो वैल्यू लोगे वो किस में लेना है? मीटर में लेना है, ओके। स्पेशल केस अगर क्ले की बात आती है ना, तो फिर ये फॉर्मूला हो जाता है फॉर क्ले। SF/SP = BF/BP, मतलब सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाई सेटलमेंट ऑफ प्लेट इक्वल्स टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ प्लेट। ये क्ले के, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये है, आपको ये ध्यान रखना है, ओके। और फाइनली अपना जो तीसरा टेस्ट है फील्ड मेथड में, वो है स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट या फिर कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, सिंपल इतना भी हो सकता है। तो इसमें डिफरेंस, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखनी है आपको कि अपना जो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है ना, ये जो टेस्ट करते हैं हम, ये रीडिंग देता है लोड सेटलमेंट की। हम ये तो निकालते हैं कि कितना लोड लगाने पर कितना सेटलमेंट हो रहा है अपने सोइल के अंदर। तो ये जो स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है ना, ये कंटिन्यूस रीडिंग देता है आपकी, जितना लोड, जैसे जैसे लोड लगाते जाओगे वैसे वैसे सेटलमेंट होता जाएगा, कंटिन्यूस रीडिंग देता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो CPT है, मतलब कोन पेनिट्रेशन टेस्ट है, या फिर SCPT लिख लो आप, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, वी गेट कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस या फिर लोड सेटलमेंट डाटाज। लेकिन जो फर्स्ट वाला हमने देखा था ना, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, वो क्या करता है? वी गेट डिसकॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड, हमें वहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड मिलता है। वो कैसे मिलता है? हम 300 mm के लिए पहले करते हैं, उसके बाद में फिर 300 mm के लिए करते हैं, इस तरीके से वो डिसकॉन्टीन्यूस रीडिंग देता है। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आ सकता है कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो जो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, ये डिसकॉन्टीन्यूस रीडिंग देता है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के लिए, या फिर लोड सेटलमेंट डाटा की डिसकॉन्टीन्यूस रीडिंग देता है। लेकिन जो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, वो कॉन्टीन्यूस रीडिंग देता है लोड सेटलमेंट डाटा की, या फिर पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, या फिर लगते हैं वीडियो अच्छे, तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, कुछ सजेशन देना है तो आप वीडियो को और चैनल दोनों को शेयर किया कीजिए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इतनी आप हेल्प कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।